पाकिस्तान में कार्यकाल खत्म होने के बाद वहां के पीएम का क्या हश्र होता है, ये बात किसी से भी छिपी नहीं। और अब यही खतरे की तलवार पाक के पूर्व पीएम इमरान खान पर लटक रही। तभी तो अब बौखलाए इमरान खान ने भारत की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है पूरा मामला। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने हमेशा पीठ पर वार किया। कभी भारत में घुसपैठी भेजी तो कभी कश्मीर में आतंक फैलाने की साजिश की। लेकिन भारत की कुशल सेना के सामने पाकिस्तान की तमाम पैंतरे फेल हो गए। और अब नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान को धमकी देते भारत की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान ने ऐसा क्या कहा। आपको बता दें, हाथ से सत्ता जाने के बाद इमरान खान कब सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे ये कोई नहीं जानता। और इससे घबराए इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोला। इस दौरान इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ भी की और आईएसआई को खुले तौर पर चेतावनी तक दे डाली है। इमरान खान ने कहा, मैं आईएसआई की पोल खोल दूंगा, मैं कोई कानून को नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की तरह भागा नहीं हूँ, देश में ही हूं और कानून का सामना करूंगा। यहां पर आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस दौरान इमरान खान ने सेना प्रमुख बाजवा को मीर जाफर और गद्दार बताकर संबोधित किया। बताते चले कि इमरान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आईएसआई प्रमुख नदीम अंजुम के बीच खुलकर तकरार चल रही है। और कभी एक दूसरे के साथ दिखाई देने वाले ये सभी चेहरे आज एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। वहीं सब के बीच इमरान खान के हमलों का जवाब देने के लिए डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट नदीम अंजुम मीडिया के सामने आए और इमरान के आरोपों का खंडन किया। पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब किसी आईएसआई चीफ को सामने आना पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि आईएसआई चीफ कैमरे से दूर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति 360 डिग्री से घूम गई और सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इमरान खान आईएसआई को लेकर क्या वाकई कोई खुलासा करेंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।